तो दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम, आप जानते हैं इंटरनेट का ज़माना है और गूगल से लेकर के ट्विटर तक और यूट्यूब से लेकर के फेसबुक तक सब जब डाउन हो जाते हैं तो हम लोग क्या हस्ती हैं आप सब समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम को दोबारा आपके सामने ला रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है, जो ओपिनियन पोल आपके सामने है, इस ओपिनियन पोल के आधार पर तीन राज्यों में हम लोग ऑलरेडी तीन राज्यों के आंकड़े आपके सामने पेश कर चुके हैं। उत्तराखंड है, गोवा है और मणिपुर है। उत्तराखंड की 70 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 38 से 40 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और इस प्रकार बीजेपी की सरकार उत्तराखंड से अगले विधानसभा चुनाव में जाती हुई दिखाई दे रही है अगर आज की तारीख में वहां उत्तराखंड में चुनाव हो जाए। और यही स्थिति गोवा में कमोबेश है, जहां बीजेपी की आज की तारीख में सरकार है। पिछली दफा 2017 में बीजेपी की कम सीटें थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की सरकार वहां बनी और आज बीजेपी गोवा में काफी मजबूती के साथ में वहां विधानसभा में है। लेकिन अब अगर आज की तारीख में वहां चुनाव हो जाए तो वहां कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह मणिपुर पहुंचे हैं तो मणिपुर में भी 60 सीटों के की जो विधानसभा है, इन 60 सीटों में 60 सीट्स में से आज की तारीख में वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां भी कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है मणिपुर में, जबकि बीजेपी की सरकार वहां से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये तीन राज्य हैं, तीन राज्यों की हम आपके सामने बात कर रहे हैं, इन तीन राज्यों के आंकड़े रख रहे हैं। लेकिन इसके बाद दो महत्वपूर्ण राज्य हैं, पहला जो राज्य है वो है पंजाब और दूसरा राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। ये दोनों राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि एक राज्य में पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। इन पांच राज्यों के की अगर बात करें तो इन पांच राज्यों में से मात्र एक राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इन पांच राज्यों की बात करें तो बाकी चार राज्यों में बीजेपी की सरकार है और उनमें से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, 403 सीटें, वहां भी बीजेपी बहुत ही मजबूती के साथ 2017 में आई थी। लेकिन 2022 के चुनाव में क्या बीजेपी उतनी मजबूती कायम करके जीत पाएगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश भी चलेंगे, लखीमपुर खीरी की घटना के बाद वहां क्या कुछ बदला है, क्या कांग्रेस मजबूत हुई है, क्या समाजवादी पार्टी कमजोर हुई है, क्या बसपा मजबूत हुई है, या आम आदमी पार्टी क्या कुछ कर रही है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले पंजाब चलते हैं, पंजाब के हालात को देखते हैं, 2017 में वहां की क्या स्थिति थी ये भी देखते हैं। और सबसे पहले आपको बताऊं कि 2017 में जो दलीय स्थिति थी वो उस आधार पर पंजाब में कांग्रेस के पास ये जो 117 सीटें हैं उसमें से 77 सीटें, 77 सीट्स कांग्रेस के खाते में आई थी। कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई थी, जबकि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी साथ मिलकर के एक मजबूत गठबंधन के साथ रहे हैं और चुनाव लड़े उन ये दल जो हैं चुनाव लड़े, बीजेपी और अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल। लेकिन शिरोमणि अकाली दल को मात्र 15 सीटें और बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई थी, जबकि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी और 20 सीटों के साथ एक जबरदस्त उभार था आम आदमी पार्टी का 2017 में पंजाब में। क्या इस बार आम आदमी पार्टी अपने 20 सीटों को और ज़्यादा में बढ़ोतरी करके, और जैसा कि कुछ सर्वे आए हैं वहाँ सरकार बनाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, अभी आंकड़ों में आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ क्या बीजेपी के से अलग होने के बाद जो किसान आंदोलन का भी जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि, और ख़ासकर एक एपिसेंटर कहें तो किसान आंदोलन का, वो पंजाब है, तो किसान आंदोलन का पंजाब में बीजेपी पर क्या असर रहा है, शिरोमणि अकाली दल पर क्या असर पड़ रहा है, यह समझना। और एक बात और कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का जाना, चरणजीत सिंह चन्नी जो वहां एक दलित सिख हैं, उनका आना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा, ये सारी चीजें जानेंगे। 2017 की दलीय स्थिति आपको बता रहा हूं कि पंजाब में 77 सीटें कांग्रेस के पास और 15 सीटें शिरोमणि अकाली दल, 3 सीटें बीजेपी, 20 सीटें आम आदमी पार्टी, जबकि 2 सीटें लोक इंसाफ पार्टी, इस प्रकार 117 सीटें। आज से महीना भर पहले की दलीय स्थिति क्या है वो आपको बता दूं,
जो महीना भर पहले की दलील स्थिति सामने है। और एक बार स्क्रीन पर लाइए, हाँ, कांग्रेस के पास 77 से 80 सीटें हो चुकी हैं, आम आदमी के पास 20 से घटकर 16 सीटें हो चुकी हैं, शिरोमणि अकाली दल के पास 15 से घटकर के 14 सीटें हो चुकी हैं, बीजेपी के पास 3 से घटकर 2 सीटें हो चुकी हैं और खाली सीटें बची हैं 3, जबकि लोक इंसाफ पार्टी की 2 सीटें थी, वो 2 सीटें अभी भी हैं, कुल 117 सीटें ये आप देख रहे हैं। लेकिन अब अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए और जो हमारे आंकड़े हैं वो क्या कुछ कहते हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश, दिखाने की कोशिश करेंगे। और अब सीधे आना चाहूँगा, स्क्रीन पर लाइए उन आंकड़ों को, वो दिखाने की कोशिश हम करें कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। अब आप सीधे हमारे बाएं साइड में स्क्रीन पर आप देखेंगे, ये जो है ये पंजाब है, 117 सीटें। कांग्रेस को कितनी सीटें आती हैं, शिरोमणि अकाली दल को का गठबंधन इस बार बीएसपी के साथ है, बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल कितनी सीटें लेकर के आती है ये देखना होगा। आम आदमी पार्टी क्या 20 सीटों से ऊपर जाएगी, क्या आम आदमी पार्टी जैसा कह रहे हैं लोग कि ये अपनी सरकार बना सकती है, क्या बनाने वाली है? और चरणजीत सिंह चन्नी के बाद और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद क्या परिस्थितियां बदल गई हैं कांग्रेस की, ये भी समझेंगे। आइए फटाफट लेकर आइए आज की स्थिति जो है वो स्क्रीन पर, ये देखिए कांग्रेस मजबूती के साथ 73 से 75 सीटें। अगर आप हमारे पिछले दो ओपिनियन पोल देखेंगे तो कांग्रेस किसी प्रकार सरकार बनाती हुई दिख रही थी, लेकिन यहां चरणजीत सिंह चन्नी के आने के बाद कांग्रेस और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है ये चर्चा हम करेंगे अपने साथियों के साथ में जो हमारे पैनलिस्ट हैं। लेकिन उसके साथ शिरोमणि अकाली दल पिछली बार भी 15 सीटें थी, इस बार भी 17 से 19 सीटें। क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़ने और बसपा से गठबंधन जोड़ने का यह फायदा मिल रहा है? दूसरी बात, आम आदमी पार्टी को क्या दो के बीच लड़ाई का फायदा मिल रहा है, यानी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच जो अभी लड़ाई चल रही है और साथ में कांग्रेस के अंदर भी जो उथल पुथल मची हुई है, इसका फायदा कि 20 से ज्यादा सीटें अकाली दल आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है, ये सब समझने की कोशिश। और साथ में आदर्श के साथ खाते में 103 सीटें। अब सीधे अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको स्क्रीन पर लेकर आइए और इन लोगों से चर्चा करें। हमारे चारों साथी, जयशंकर गुप्ता अभी जा चुके हैं लेकिन 3 साथी हमारे साथ हैं और सब जुड़े हुए थे इससे पहले के जो पार्ट में भी जुड़े हुए थे, लेकिन अचानक इंटरनेट कनेक्टिविटी का चला जाना थोड़ा सा मुश्किल दे जाता है और ऐसा बहुत रेयर होता है। सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास आऊंगा, फिर अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। प्रशांत टंडन जी, पंजाब के इन आंकड़ों को देख करके क्या कहेंगे, जबकि वहां 3-4 फैक्टर काम कर रहा है। अगर कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस के फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर, कांग्रेस ने अपने सीएम को बदल डाला। एक दिन सुबह शाम को बैठक बुलाई गई और सुबह सुबह इस्तीफा सामने आ गया कैप्टन अमरिंदर सिंह का। उसके बाद कांग्रेस एक दलित नेता को, दलित मुख्यमंत्री दलित सिख को सामने लाती है और परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। उसका असर दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी 13 ट्वीट, आपको याद होगा 13 ट्वीट करने पड़े थे और दलितों और वंचितों की लड़ाई और उनकी सहभागिता और उनके बारे में बात करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उसका असर यहां दिखाई दे रहा है। साथ में किसान आंदोलन है और साथ में बीएसपी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी यहां देखिए 0 है। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, आपका हर महीने सर्वे आ रहा है और इसके पिछले 3 सर्वे में भी मैं रहा और एक जो ट्रेंड मैं देख रहा था वो ट्रेंड ये था कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी से अलग होने के बाद इम्प्रूव करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज इसको और ये लगभग स्थिति ऐसी थी, थोड़ा जो शिरोमणि अकाली दल की स्थिति कमजोर हुई है चन्नी के आने के बाद, तो जिसको कहा जा रहा था कि एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि अगर कैप्टन और सिद्धू में झगड़े नहीं हुए होते और ये पंजाब में उठा पटक नहीं होती जिसमें कि मीडिया में और सोशल मीडिया में बहुत कुछ कहा गया लिखा गया, लेकिन कांग्रेस के लिए ये वरदान साबित हो रहा है एक बात। दूसरे की पंजाब की पॉलिटिक्स में डेरा फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। पिछले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डेरा के साथ समझौता किया था और वो
उनको काफी वोट मिला था। जो डेरा पॉलिटिक्स है वो दलित सिखों की ही है। चन्नी के आने के बाद अब उसमें कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता है, और ये एक फायदा उनको मिल रहा है। दूसरा देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम लोगों को देखना होगा कि किसान आंदोलन, ये पंजाब का चुनाव किसान आंदोलन की के छत उस के प्रभाव में होगा, और पंजाब का मिडिल क्लास भी किसान ही है, किसान परिवारों से ही आकर किसान का मिडिल क्लास बना है। उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति नहीं है कि जहाँ पे यहाँ का मिडिल क्लास जो है वो किसानों को गाली दे रहा है। पंजाब में आपको नहीं मिलेगा, हम लोग सिंघू बॉर्डर जाते रहे और देखते रहे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात देखिए कि आरएसएस और बीजेपी का नैरेटिव क्या है। पंजाब में आरएसएस एंटी सिख पॉलिटिक्स करती है, वहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलता है उत्तर प्रदेश की तरह या और जगह की तरह। ये बात तो पहले भी कह चुका हूँ आपके यहाँ। अब जब आप बीजेपी का नैरेटिव देखिए, जैसे किसान आंदोलन हो रहा है, अभी घटना हो गई कल जो शव मिला वहाँ पे एक दलित का, आप उसमें जो नैरेटिव चल रहा है उस नैरेटिव को आप देखिए, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, चाहे वो कल की घटना हो, या इसके पहले सिंघू बॉर्डर टीकरी बॉर्डर पे किस तरीके से मीडिया जाता रहा और किस तरह से बीजेपी के लोगों के बयान आते रहे, तो किसान आंदोलन की आड़ में लगातार सिखों के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे वो बीजेपी समर्थित सोशल मीडिया हो, चाहे वो बीजेपी समर्थित मीडिया हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, वो मवाली कहते हैं सिखों को, वो तमाम इस तरीके की बातें आती हैं। तो इसका असर अगर शिरोमणि अकाली दल की पार्टनरशिप बीजेपी के साथ रहती ही तो वो तो खत्म हो चुके होते हैं। वो तो बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप छोड़ दी है। तो बीजेपी का आप 3 सीटें हैं, आप 0 दिखा रहे हैं, मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि खबरें हम लोग देख रहे हैं कि वो बीजेपी के नेताओं को तो गांव में भी जाने को नहीं मिल रहा है। तो आम आदमी पार्टी को लेकर देखिए, पिछली बार जब पंजाब के इलेक्शन हो रहे थे तो बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिसिस आप लोगों के तरीके के सर्वे में देख रहा था, और ये बातें हो रही थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता के बहुत करीब होगी। लेकिन जब मैं 7-8 दिन पंजाब में घूमा, खासकर मालवा और दुआबा के रीजन में, तो मुझे लगा कि ये तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। और आज जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि 22 से 24 सीट, लगभग इतनी सीट उनको पिछली बार ली आई। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने एक संकट है कि इनके पास कोई नेता नहीं है। तो जब तक वो नेता नहीं होगा वहाँ पे कोई, आम आदमी अरविंद केजरीवाल का पोस्टर लगा के आप वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, सीटें ला सकते हैं। जब तक वो नेता नहीं होगा वहाँ पे पंजाब में, तब तक वो बातें नहीं आएंगी। जितनी सीटें दिख रही हैं, क्या पता ये इसमें सीटें और कम हो जाए। राजीव जी, पता है कि ये सीटें आम आदमी पार्टी की जो देख रहे हैं आप, और साथ साथ ये भी कहूं कि न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि शिरोमणि अकाली दल, इनकी सीटें भी कम हो सकती हैं। और कांग्रेस में अब धीरे धीरे, जैसे कि सिद्धू ने बिल्कुल जो शरणागत अवस्था उनकी दिखाई दे रही है कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हमारे नेता प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, और हम मैं जो हाँ पार्टी के हिसाब से काम करूंगा, और उनका तेवर जिस प्रकार डाउन दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि चरणजीत सिंह चन्नी लगातार वो फैसले जो आम आदमी पार्टी लुभावने वादे कर करके वहाँ चुनाव लड़ने और जीतने की फिराक में है, कोशिश में है, वो तमाम वादे ही नहीं बल्कि वो सब कुछ करके दिखा रहे हैं। रातों रात चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो डिसीजन ले रहे हैं। और जब हमारी टीम बात कर रही थी वहां के लोगों से, तो ये लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी के ऐसे जो डिसीजंस हैं, अचानक आनन फानन में नहीं बल्कि आए और ये तमाम चीजें जो करनी चाहिए थी वो कर रहे हैं। और एक नेता उन लोगों को, वहां की जनता को, भले 3 महीने के लिए, लेकिन लग रहा है कि हमारे बीच का कोई मुख्यमंत्री सामने आया है और इसका
बेनिफिट दिखाई दे रहा है 73 से 75 सीटें। एक बार सीधे आना चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं और आपका कोई कमेंट नहीं लिया हूं, हालांकि उत्तर प्रदेश में आपकी बहुत सारी बातें, आप तमाम लोगों की बहुत सारी बातें करनी हैं, लेकिन अमलेंदु जी क्या कहेंगे इन आंकड़ों पर, खासकर जो हम पंजाब की बात कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वहाँ कांग्रेस का ग्राफ और बढ़ता जाएगा, मुझको ऐसा लगता है। और अभी का जो हम लोगों का आंकड़ा है वो बिल्कुल ठीक है, और चन्नी के बनने के बाद जो है परिस्थितियाँ एकदम से बदली हैं, और पंजाब में भी इसका असर है और इसका असर उत्तराखंड पर भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पर तो हालांकि नहीं मुझे लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा इतना ज़्यादा, लेकिन उत्तराखंड पर भी इसका असर पड़ेगा और पंजाब पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा, चन्नी जिस तरीके से वहाँ फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके से उनकी जो एक्शन मोड है उनका, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, तो अब लोगों को लगने लगा है कि शायद उनके बीच का कोई आदमी जो है वो मुख्यमंत्री बना है। अब मैं देख रहा था एक उनका इंटरव्यू किसी यूट्यूब चैनल पे ही था, तो उनसे केजरीवाल के बारे में पूछा गया कि वो जो है वो कुछ वादे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि वो ये बताओ कि आपकी जेब में 5,000 रुपये हैं, तो उस एंकर ने कहा कि हाँ हैं, उनका है ना 5,000 की हाँ हैं, तो यार उस केजरीवाल को दे दो, कोई कपड़े तो ढंग के पहन ले। तो यानी कि बोले कि भाई 2,50,000 रुपये उसकी तनख्वाह है और कपड़े यार ऐसे पहनता है, तो ये मतलब जो एक आम आदमी की जो सोच है, जो साधारण आदमी की सोच है, उसको जो है वो चन्नी जो है वो वहां प्रकट कर रहे हैं। और ये बात सही है कि भाई आप ही नोट 2,50,000 रुपये तनख्वाह है, जब एक इंजीनियर है, आपकी पत्नी भी रह चुकी है, तो ये नौटंकी तो नहीं चलेगी कि आप हवाई चप्पल पहन के घूम रहे हैं। तो ये अब मोदी जी का तो चल गया कि चाय बेचते हैं, अब केजरीवाल का भी बहुत समय चल गया कि अब आम आदमी है, आम आदमी है, लेकिन राज्यसभा जो है वो गुप्ता जी जाएंगे, जिनके कई सारे स्कूल हैं, कई सौ करोड़ों के मालिक बताए जाते हैं। तो ये फर्जीवाड़े जो हैं आम आदमी के नाम पर, ये जो है वो धीरे धीरे पड़ते जो खुलने लगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी की कमजोरी और क्या है कि नेता वहाँ केजरीवाल हैं, दूसरा बन नहीं सकता। मनीष सिसोदिया को लगने लगा था कि शायद वो थोड़ा बन रहे हैं, तो उनके भी पद कतर दिए गए। आशुतोष जो थे वो आशुतोष से आशुतोष गुप्ता हुए, तो उनको भी पद कतर के बाहर कर दिया गया। भगवंत मान जो थे वहाँ कुछ थोड़ा बन रहे थे, तो उनके भी पद जो थे थोड़े से कतरे गए। अब दिक्कत ये है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री तो दिल्ली के हैं, तो पंजाब में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, या गोवा में कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा? तो बहरहाल वो दिल्ली से तो बड़े राज्य हैं सब, पूर्ण राज्य हैं, तो वहाँ अगर धोखे से भी मुख्यमंत्री कोई बन गया आम आदमी पार्टी का, तो केजरीवाल कहाँ जाएंगे? तो इसलिए केजरीवाल भी नहीं चाहते हैं कि उनकी सरकार का बने, वो जो जिस काम के लिए जाते हैं वो अपना काम करते हैं। वो जो भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय मोदी जी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है उसको पूरा करने के लिए सब जगह जाते हैं, और वो कर उसके लिए प्रयासरत है और ईमानदारी से उसके लिए प्रयास करते हैं। जितनी ईमानदारी से मोदी जी करते हैं उससे ज़्यादा ईमानदारी से प्रयास जो है वो अरविंद केजरीवाल करते हैं, और जो भी उनकी सब फंक्शन है वो सब वो वहाँ किसी भी तरीके से कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने की उनकी होती है। तो बहरहाल उनकी अपनी रणनीति है, राजनीति है, तो उनको तय करना है उनकी राजनीति क्या है, और हम लोग उस पर क्या कह सकते हैं कि किसकी क्या राजनीति, क्या राजनीति नहीं है। इस तरीके से उत्तराखंड में जिस तरीके से उन्होंने वो अपना जारी की घोषित किया है, एक जो पूर्व जो वो हैं फौजी जो हैं उनको घोषित किया है कि वो ईमानदार हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार, तो पूर्व सैनिकों में एक बड़ी जबरदस्त नाराजगी जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के है। जिस तरीके से पूर्व सैनिकों के ऊपर लाठियां पुलिस ने चलाई भारतीय जनता पार्टी की शासन में, वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, तो नाराजगी जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में वो जब भाजपा से नाराज होंगे तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे, तो वो कांग्रेस की तरफ ना जाने पाए तो वहां भी जो है वो केजरीवाल जी पहुंच गए हैं कि इसको किस तरीके से रोका जाए, भाजपा का ज्यादा नुकसान ना होने पाए। लेकिन होगा, अब केजरीवाल जी क्या कर सकते हैं, मतलब यही तो कर सकते हैं कि उसे रोकें, लेकिन अगर लोगों के मन में आ गया और ये समझ में आ गया सबको कि केजरीवाल जी इसी काम के लिए आए हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी केजरीवाल जी के लिए। बहरहाल वो अपना काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से केजरीवाल कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। सूचना ही है कि गोवा में जो उनकी पार्टी है वो टूट के कगार पर पहुंच गई है केजरीवाल जी की, और बहुत बड़ा चंक जो है वो कांग्रेस के अंदर जा सकता है वहाँ आम आदमी पार्टी का। तो ये अब जो जैसे योगी जी अपने पोस्टर लगवाते हैं दिल्ली में कि 4,500,000 लोगों को हमने दे दिया रोजगार, तो ऐसी केजरीवाल जी के विज्ञापन भी जो है वो दिल्ली में जो है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बिजली 24 घंटे आ रही है, वो केरल में भी लगते हैं।
तो ये सब जो पॉलिटिक्स है, तो अभी सब अपनी अपनी सबकी सबकी पॉलिटिक्स है कुल मिला करके। बहरहाल मुझको लगता है कि शिरोमणि अकाली दल को जो है वहां और शायद नुकसान, और उसका कारण है कि वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समझौता करवाया है वहाँ, कहा जाए इसको एक तरीके से, BSP का और शिरोमणि अकाली दल का, तो वो चन्नी के आने के बाद वो उसका असर जो है वो एकदम से समाप्त हो गया है। और उधर कांग्रेस ने जो चुनौती दे दी बहन जी को कि भाई आप भी अपना दलित मुख्यमंत्री का चेहरा पेश कर दीजिए, तो अब दलित मुख्यमंत्री का लेकिन मैं चेहरा आपको कैसे पीछे हो रोकूंगा, जाए। और बहुत सारी बातें अभी करनी हैं, और खासकर पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये दो महत्वपूर्ण राज्य हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार, और हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर अभी कांग्रेस की सरकार जो है रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। जिस पंजाब के बारे में लगातार बातें हो रही थी, और आनन फानन में वहाँ आपने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, उसके बाद एक दलित मुख्यमंत्री का आना, और उसके साथ साथ पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम यानी वर्सेस सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, उसके बाद फिर रणजीत सिंह चन्नी बनाम नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन अब सिद्धू जो हैं वो भी शरणागत दिखाई दे रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो भरपूर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और कांग्रेस मजबूत होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। एक बार फिर से चलेंगे गणेश पाठक जी आपके पास, पंजाब को लेकर के आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। ये जो ओपिनियन पोल है, इस आधार पर आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी की बहुत सारी बातें कर रहे थे हमारे साथी अमरेंदु उपाध्याय जी, लेकिन कहा यह जा रहा है, बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन पोल ऐसे भी आ रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी को 100 सीटें आ रही हैं और सरकार उनकी बन रही है, क्या कहेंगे ओवरऑल? मैं पूरे पहले पंजाब से पहले आपको एक बार फिर उत्तराखंड की ओर लाता हूं, क्योंकि यहां अब शरद ऋतु शुरू हो गई है और ठंड भी थोड़ी गुलाबी ठंड भी हुई है, पहाड़ में और मैदानों में भी थोड़ा सा ठंड का असर दिखने लगा है। मैं पहले आपको आपके बारे में बताऊंगा कि आपका उत्तराखंड में जो आप उसमें एनालिसिस में दिखा रहे थे कि वो 2 से 4 सीट ला सकती है, तो मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है वो एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी से जो निकाले हुए लोग थे, जो वहां कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी, वो लोग उससे जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ है कि जो अपने बहुत ज्यादा वोट ला सकता है। हाँ, ये तब परिस्थिति आ सकती है जो सर्वे आपका तब फिट बहुत ठीक सटीक बैठ सकता है कि जब कांग्रेस और बीजेपी अपने दावेदारों की घोषणा करे और कुछ दावेदार आए जाएं, उस समय की स्थिति मानी जा सकती है। मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि 70 की 70 जो विधानसभा सीट है इनमें कहीं पर भी आप अपना खाता खोल सकती हो। ये जो एक मतलब जो आपका राजनीतिक परिदृश्य यहाँ उतरा है उसमें मुझे आप कहीं भी नहीं दिखती है कि वो बहुत सटीक है। जो उन्होंने यहाँ फ्री बिजली का 1 लाख लोगों को 6 महीने में रोजगार का दिया, या जो भी उन्होंने 5 साल जो कार्यक्रम अपना दिया, उसकी यहाँ विपरीत प्रतिक्रिया शुरू हुई है। क्योंकि यहाँ का आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का व्यक्ति वो स्वाभिमानी है, वो स्वाभिमान के साथ ही वो जो फ्री का जो एक चलन चला हुआ है, जो आपने हमने पूछा भी था उनसे कि भाई जो आप दे रहे हैं इसकी भरपाई आप कहाँ से करेंगे, तो उसका कोई सटीक जवाब भी नहीं दे पाए, वो मीडिया को नहीं दे पाए थे। तो मुझे लगता है कि ये आपका उत्तराखंड ज्यादा अभी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, बाद में जब टिकट बंटवारे होंगे तो उसके बाद की तस्वीर में मैं नहीं कह सकता हूँ। और पंजाब का इलाका है, चूंकि उत्तराखंड में बन के जो पूर्व सीएम है वो पंजाबी है, हरीश रावत जी, हरीश रावत जी का जो एक पूरा राजनीतिक अनुभव है, और वो राजनीतिक अनुभव तरीके से वो पंजाब में उन्होंने चन्नी को लेके किया है, और मैं उत्तराखंड में भी एक ऐसी जाति में मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। उसके दो तीन आशय निकाले जाए, उसके दो तीन निहितार्थ दिख सकते हैं, क्योंकि अभी खुद हरीश रावत जी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और जो दलित यहाँ का वोट बैंक है वो करीब 17% यहाँ पे दलित का वोट बैंक है। एक मतलब थोड़ा आगे पीछे जा सकता है, इसके कोई मतलब सरकारी रिकॉर्ड तो ऐसे है नहीं कि जहाँ पे हम उसको कह सकते हैं, लेकिन उस 17% को जो उसमें से 6-7% बीजेपी के खाते में चला गया था पिछले इलेक्शनों में, और 1-2% बसपा के पास चला गया है। ये जो उन्होंने दलित कार्ड यहाँ पे उत्तराखंड में चला है, वो हो सकता है कि इस इलेक्शन में पूरा का पूरा इसको स्विंग कर जाए, कांग्रेस के पक्ष में जाए, और जो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार की, वो एंटी इनकम्बेंसी भरपूर लाभ मिल सकता है। हाँ राजीव जी,
जी मिल सकता है बिल्कुल। एक बार आना चाहूँगा अब जयशंकर जी आपके पास, पंजाब को लेकर के आप जो आंकड़े देख रहे हैं और पंजाब की जो परिस्थितियां आप अभी उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अरे पंजाब में तो देखिए कांग्रेस का जो संकट था वो लगभग दूर हो चुका है। सो जिस ढंग से चरणजीत सिंह चन्नी वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब परफॉर्मर के रूप में उनके उनकी भूमिका को देखा जा रहा है, लोग उसको मान रहे हैं कि आते ही आनंद फानंद में उस जिस ढंग से दो तीन काम जैसे किए, और उसके अलावे जैसे कहा ना अभी अमरिंदर ने कि वो आम आदमी के रूप में अपने को बिहेव कर रहे हैं, आम आदमी के बीच में बैठ जाना, उनके साथ घुलना मिलना और दिखाना कि देखो तुम्हारे बीच का आदमी भी मुख्यमंत्री आज बजट बनकर दिखाई दे रहा है। तो इस सब का असर पड़ रहा है। और दलित कार्ड तो है ही है, दलित वहां 32-33% है, पहली बार पंजाब में एक मुख्यमंत्री दलित हुआ है। अभी जो ये दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे जो हुआ है हत्याकांड, जिस तरह से ये बेअदबी का मामला, तो बेअदबी का मामला वहाँ पंजाब में बहुत मशहूर रहा है। इसलिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी या अकाली दल वाले लोग भी खुल करके कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। पहले उन्होंने जरूर इस सवाल को उठाना शुरू कर दिया कि एक दलित की हत्या कर दी गई, किसान आंदोलन में दलित की हत्या कर दी गई। बाद में पता लगा कि नहीं, जो निहंग सिख है जिसने हत्या की वो खुद भी दलित ही है। तो अब वो एक मामला है जो बेअदबी का सवाल है वहां पर, उसको लेकर के पिछली बार अकाली दल की थूथू हुई थी, अकाली दल की बहुत भद पीटी थी और उसके साथ बीजेपी को भी की भी लुटिया डूब गई थी। तो वो कारण भी जो है इनके पक्ष में बहुत नहीं जा रहे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा आम आदमी पार्टी कुछ वहां गेन कर सकती है, जितना भी करे कितना करेगा नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन उसको थोड़ा सा कुछ फायदा जरूर मिला है, मिलेगा। ये पिछली बार भी उसको काफी था और मुख्य विपक्षी दल वही होके आ गई थी आम आदमी पार्टी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई अपना चेहरा नहीं है वहां पर, जो किसी को कभी, जैसे मान लीजिए भगवंत सिंह मान के सामने रहते हुए लोगों ने, वहां के पत्रकारों ने पूछा अरविंद केजरीवाल से कि साहब आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि भगवंत मान मेरा छोटा भाई है और ये है वो है और ये सब बाद में बताएंगे, जब मौका आएगा तब बताएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर रहता होगा कि साहब दिल्ली बहुत छोटा राज्य है, उसकी सीमाएं बहुत हैं और केंद्र से शासित है, केंद्र के भरोसे रहना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं अगर मौका मिल जाए तो हम ही आजमा ले वहां जा करके। तो लेकिन पंजाब के लोग कभी इसको कबूल करने वाले नहीं है, तो इसमें जाकर के पिछली बार भी पिटे थे, इस बार भी वो पिट सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा जो अभी जो ये हमारा डीवी लाइव का ये ओपिनियन पोल का है, मुझे लगता है सही साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत कम अधिक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार दोबारा बन सकती है। मतलब पंजाब में एक बार इसके पहले रिकॉर्ड टूटा